अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरा मेरा रक्षाबंधन। अरे रसू, ये चोट कैसी? और इतनी तकलीफ में तू खाना क्यों बना रही है? मैं पानी लेके आती हूँ। खा ले बेटा। चल लालू, आज मैंने भी नाश्ता ना किया है, हम दोनों संग में नाश्ता करेंगे। चल। ना, रो मत, फिकर ना कर, तारे भाई सा को सारी बातें आज ही बता देती हूँ। हाँ। ना दादी सा, भाई सा को कुछ ना बताइएगा, अगर हमजो ने कुछ भी बता दिया ना तो वो घर गलती छोड़ के यहाँ आ जाएंगे, और मैं ऐसा ना चाहती दादी सा। छोरी तू समझे ना, है ये चकोरी है ना। चकोरी का मैं क्या करूँ दादी माता, जब मेरे अपने पति को ही मेरी बेइज्जती से कोई फर्क ना पड़ता। ना लाडो, ऐसी बात ना है, थारे को सच्चाई जाननी है, तुम चल मारे से। कभी कभी अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ ना, तो सोचती हूँ आपकी आवाज सुन लूँ। हाँ, पार्टी चल रही है और साल एंजॉय कर रही है, तो बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत कर। मेरे इतने सारे फोन करने के बाद रसाल ने सिर्फ एक मैसेज छोड़ा, ऐसी तो ना है मारी लड्डू। ना तो के एक चक्कर रसाल के पास लगाना होगा और समझना होगा कि आखिर वहां चल क्या रहा है, क्या छुपा रही है मारी बहन मारे से। देख, ये जो जख्म दिख रहे हैं ना समर पे, वो थारे को बचाने के बदले में मिले हैं। वो लोमड़ी चकोरी एकदम नीचे गिर के थारे से बहुत बुरा करना चाहती थी, पर ये छोरे ने अपनी ताई की बात ना सुनी और थारे को बचा लिया, और उसके बदले में उसे इतने सारे जख्म मिले। छोरी, समर थारे को बहुत प्रेम करता है, पर उसकी आंखों में वो चकोरी नाम की जो पट्टी लगी है ना, उसकी वजह से तुम दोनों के बीच में वो चकोरी हमेशा आती रहेगी। पर लाडो, मैं जानू हूं एक तू ही है जो हमारे समर को उस लोमड़ी चकोरी के चुंगाल से बचा सकती है। ने कहा तुमसे ये करने के लिए? आपकी नफरत, आपका गुस्सा, आपके दिए जख्म, इन सब की सच्चाई पता चल गई है मुझे। तो फिर अपने दिल से कह दो कि ऐसे किसी भी ख्याल से बहलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि सिवाय तकलीफों के मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। जो सुना बिल्कुल गलत सुना, पार्टी में जिस समर से तुम मिली वही हूं मैं, और यही मेरा असली रूप है। आप क्या है ये मेरा दिल तय करेगा। तो फिर कह दो अपने दिल से कि मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद ना लगाए।
ना किसी प्यार की, ना किसी हमदर्दी की, क्योंकि मेरे लिए हर रिश्ता मेरी ताई जी के रिश्ते के आगे छोटा है। और मैं सिर्फ वही करूंगा जो मेरी ताई जी कहेंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, इस समर चकोरी के चुंगाल से बाहर ना आने वाला है। वो लोमड़ी सबको बर्बाद कर देगी। उसके पहले कि रसाल के साथ कुछ हो, तुम्हारे को ही कुछ करना पड़ेगा। समरसा ने चकोरी मासा को अपने ऊपर जुल्म कैसे करने दिया? माफी भाई साहब, वो कल रात पार्टी से बहुत देर से आई तो आपको मैसेज करके फोन बंद करके सो गई थी। यहाँ कोई चिंता की बात ना है भाई साहब, आप फिक्र ना करें। लट्टू, तेरी घड़ी याद आ रही है मन में, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि कुछ दिन वहीं रहूंगा तेरे साथ, अपने घर में। भाई साहब आपको यहाँ आने की कोई जरूरत ना है, यहाँ सब बिल्कुल ठीक है, आप चिंता ना करिए। मैं आ रहा हूँ लाडो, आ रहा हूँ। भाई साहब आप, कल रात कुछ तो जरूर हुआ है जो मेरी लाडो मुझसे छुपा रही। भाई साहब यहाँ क्यों आ रहे हैं? लड्डू मारा हुआ आने के लिए कुछ होना जरूरी है के? मैं अपने घर अपनी बहन से मिलने ना सकता, कुछ दिन रहने ना सकता मैं? हैं? बात करती है। चकोरी माँ, मूक सिंह, समर, किसी को छोड़ने वाला ना हूं मैं। लड्डू तू एक बात समझ ले, मन्ने वाणे से रोक ना सकती तू। दादी साणे मन्ने फोन करके सब बता दिया कि थारे साथ वहां हो के रहा है, और तू अकेले वहां बैठ के सब कुछ सहती रहेगी, ये थारा भाई साहब होने ना देगा। आई बात समझ? भाई साहब मेरी बात तो सुनिए, आप, आपकी जिंदगी, आपका पूरा संसार वहां है, और भाभी साहब यहाँ आने के लिए तैयार ना होंगी। राणा बापू साहब काम काज छोड़ के आपका यहाँ आना ठीक ना होगा भाई साहब। लड्डू हमारी बात समझ, मालिक, नौकर, दामाद, पति, जो सारे रिश्ते निभाने की हिम्मत रखता है थारा भाई साहब, लेकिन थारा मारा जो रिश्ता है ना, वो इन सब रिश्तों से ऊपर है हमारे लिए। जो मैं थारी रक्षा ना कर पाया ना, तो मैं इनमें से कोई भी रिश्ता निभाना पाऊंगा। आई बात समझ? अब बाकी की बात हम थारी हवेली पे आके करेंगे, बस फोन ना करियो। कड़क जी,
माफी मांगना चाहता हूँ आपसे। और असल वाली बात सुनने के बाद हमारे को गुस्सा बहुत आ गया था, मैंने सारा गुस्सा आप पे निकाल दिया, उसके लिए माफी। आपने दादी साहब वाली बात बता के हमारे पे बहुत बड़ा एहसान किया कनक जी। देखा जाए तो आपने शादी का तीसरा वचन निभाया है। तू रसाल के घर जा रहा है वहां पे रहने के लिए? मैं नहीं, हम दोनों जा रहे हैं अपने घर, आपके ससुराल देवरिया। सामान बांध लीजिए, जल्द निकलना होगा। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।